गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। यार, जब भी मैं शादी के कार्ड्स को यूज़ करके कोई DIY बनाती हूँ तो आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई करते हो कि मानसी तुम कितनी शादियों में जाती हो, तुम्हें कितने सारे शादियों से इनविटेशन कार्ड आते हैं। एंड आज तो पक्का आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई करोगे क्योंकि आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। तो आज हम कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने वाले हैं एंड इसके लिए जो ये वेडिंग कार्ड्स होते हैं इन्हीं को यूज़ करके मैं आज के DIYs बनाऊंगी। तो टाइम टू टाइम ये मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं, मुझे वापस से रीस्टॉक करना पड़ता है एंड मुझे इतने इनविटेशन नहीं आते हैं, मैं पहले ही बता दूं। ये ना मैं मोहल्ले में और इधर उधर जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन सबसे मांग मांग के मैं ये DIYs बनाती हूँ। DIYs बनाना इतना आसान नहीं होता है, लोगों के घर घर जाके चीज़ें मांग के लानी पड़ती हैं। एंड नॉर्मल चीज़ें नहीं, मैं तो लिटरली लोगों के घर से कबाड़ मांग मांग के लेके आती हूँ ताकि मैं DIYs बना सकूँ। तो इन कार्ड्स को यूज़ करके हम कुछ बनाएं, उससे पहले आपको क्या करना है, अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो यार प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट DIY के लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली शादी के कार्ड्स। तो कुछ कार्ड्स जो होते हैं वैसे थोड़े पतले से होते हैं और कुछ ऐसे मोटे वाले होते हैं, तो मैं यहाँ पे जो मोटे वाले होते हैं कार्ड्स वो यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हमें पूरा खोल लेना है, जो भी इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है वो वाला पार्ट हमें हटा देना है। तो इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ इस तरह के थिक कार्डबोर्ड, और ये नॉर्मल जो पैकेजिंग वाले कार्डबोर्ड होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसकी एजेस भी क्लीन होती हैं। जैसे नॉर्मल कार्डबोर्ड में साइड में आपको कुछ पैटर्न दिखता है, ये पूरी तरीके से प्लेन होते हैं इसके एजेस। तो वैसे ऐसे कार्डबोर्ड आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट जब फ्री में मिल रहे हैं तो मार्केट से क्यों ख़रीदना। तो इसी तरह एक और कार्ड था, उससे भी मैं इस तरह के कार्डबोर्ड निकाल लूँगी। अब इसमें से हमें तीन कार्डबोर्ड ले लेने हैं और अब पेपर पे मैं एक झरोखा वाली ड्राइंग बना रही हूँ। सिंपल सा एक झरोखा का आपको शेप बनाना है और कट कर लेना है, और अब इसे कार्डबोर्ड जो हमने निकाला था उसके ऊपर रखना है और ट्रेस करना है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो जब आप इस तरीके से ट्रेस करके कट करेंगे तो तीनों कार्डबोर्ड पे इक्वल झरोखा वाला शेप आएगा। एंड अब मैं ले रही हूँ अपना हॉबी नाइफ कटर, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी हेल्प से मैं बीच से ये शेप कट करके निकाल दूंगी। तो कुछ इस तरीके का हमारा झरोखा दिखाई देगा, और अगर इसकी एजेस उतनी क्लीन नहीं दिख रही हैं तो आप सैंड पेपर से सैंडिंग कर लीजिए। अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं संभाल के रख लूँगी और अपने किसी और DIY में यूज़ कर लूँगी। फ़िलहाल अभी हम इस DIY पे आते हैं और इसको हम अच्छे से एक वाइट कलर से बेस कोट दे देंगे। आप चाहे तो जेसो का यूज़ कर सकते हैं या एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों झरोखा को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर दूंगी, और यहाँ पे मैं सारे एक्रीलिक कलर्स का ही यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि दूसरे लाइट और डार्क शेड्स भी यूज़ करके इसके ऊपर हल्का हल्का मैं ऐसे शेडिंग दे रही हूँ। एंड ये वाला पार्ट आप चाहें तो कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, आप बस नॉर्मली इसको एक कलर से कोट कर दीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम से कबाड़ का यूज़ करके बहुत सारे DIYs बनाती हूँ, और काफ़ी टाइम से मुझे लगा कि मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स ख़रीदे नहीं हैं, जबकि मुझे बीच बीच में कुछ चीज़ें खरीद के भी ट्राई करना चाहिए ना। और आप किसी भी फील्ड में हो अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने ना कुछ नई नई चीज़ें खरीदी हैं, तो सबसे पहले उसमें से है ये स्टेंसिल, टेक्सचर पेस्ट और पैलेट नाइफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्राफ्टोलॉगर से ली हैं, और भी मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं क्राफ्टोलॉगर से जो कि आपको वीडियो में आगे एक एक करके दिखती जाएंगी। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सामान खरीदा और पहली बार मैं ये स्टेंसिल का यूज़ कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल पहले समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, लेकिन करते करते थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया। एंड स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे आप ब्रेड पर बटर लगाते हो ना, बस उतना ही ईजी है, लगभग उसी के जैसे ही है। बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना कि जितनी बार भी आप स्टेंसिल को प्लेस करें हर बार आपको उसके बाद स्टेंसिल को धोना है और ड्राई करना है, और जो भी स्टेंसिल वर्क आपने किया है वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। एंड इसके बाद मैं क्राफ्टोलॉगर का ही ऑरेंज मेटेलिक चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, जो कि आजकल आपने मुझे मेरे कई सारे वीडियोज़ में यूज़ करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना ये सारे कलर्स के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो चलिए, अभी मैं एक दूसरा शादी का कार्ड ले रही हूँ, और इसमें ना काफ़ी सुंदर सुंदर से प्रिंट्स थे,
तो ये जब मैंने देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि इसको मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी। और आपको पता नहीं होगा बट इस तरह के जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं ना, ये क्राफ्ट में लोग यूज़ करते हैं और ख़रीद के यूज़ करते हैं। ये मार्केट में मिलते भी हैं और अच्छी खासी इनकी कॉस्ट भी होती है, बट हम कभी भी नोटिस नहीं करते कि यार ये सारी चीज़ें तो हमारे घर पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो जो झरोखा का शेप था उससे हल्का सा बड़ा हम इसे कट करेंगे और साइड में ग्लू लगा के इसको चिपका लेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको थिक बनाने के लिए मैं पीछे एक और कार्डबोर्ड लगा रही हूँ। पीछे वाला कार्डबोर्ड साइज़ में थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए, वरना फिर वो साइड से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद इसको हैंग करने के लिए मैं कॉटन थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और मास्किंग टेप से मैंने इसको चिपका दिया है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पेपर की ही बनी हुई हैं तो काफ़ी हल्की हैं और ईजिली हैंग हो जाएंगी। अब असली काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे इन मिरर्स की हेल्प से। और ये मिरर्स मुझे मेरी फ्रेंड भूमि ने मुंबई से भेजे थे। आप लोग ने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा मानसीज़ लाइफ पे। एंड वेट, अभी थोड़ा सा और डेकोरेशन बाकी है। इसके लिए मैंने क्राफ्टोलॉगर से MDF कटआउट्स मंगाए थे। तो इनके पास आपको ढेर सारे MDF कटआउट्स, चॉक पेंट्स, मेटेलिक पेंट्स, पेंट ब्रश, टेंसिल और बहुत सारी DIY की चीज़ें मिल जाएंगी। इनके इंस्टा पेज पे या वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड MANSI05 यूज़ करोगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड जो भी आप चीज़ें ऑर्डर करते हो उसके साथ आपको ये एक टोकन ऑफ लव भी भेजते हैं, जो कि मुझे बड़ा क्यूट लगा। और इसमें एक सरप्राइज़ गिफ्ट होता है और ये प्यारी सी इयररिंग्स मुझे मिली। तो अगर आपको भी ये सरप्राइज़ गिफ्ट चाहिए तो फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस कर लो। तो ये लोटस की बजाय आप इस तरह के मोटिव्स भी क्ले से बना सकते हो और बीच में चिपका सकते हो। ये मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी डिब्बा देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो एक्चुअली इसमें मैं अपना किंडल रखती हूँ, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब भी मैं इसको अपने रूम में रखती हूँ पढ़ती हूँ तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड मैं इतनी कंजूस हूँ कि इसका कवर तो मैंने आज तक लिया नहीं, इसी डिब्बे में इसको रखती हूँ, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरे रूम की शोभा को ख़राब कर देता है। बट हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस डिब्बे का कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके जो साइड्स हैं उन्हें पेंट कर दूंगी। एंड ये मैं काफ़ी इजी तरीका बता रही हूँ किसी भी चीज़ को रीपर्पस करने का। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि एक DIY अगर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो एक DIY मैं थोड़ा इजी बनाऊं ताकि बैलेंस हो जाए और किसी को ये ना लगे कि मानसी तुम तो सब बहुत कठिन कठिन चीज़ें बताती हो। तो इसके बाद मेरे पास ये एक इन्विटेशन कार्ड था, ये किसी के बर्थडे का शायद इन्विटेशन कार्ड था और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। इस पर बहुत प्यारे से कान्हा जी बने हुए थे और जब कार्ड के ऊपर कृष्णा जी की इतनी क्यूटी क्यूटी सी पिक्चर होगी तब तो हर किसी का मन करेगा ना कि उस कार्ड को रीयूज़ करें। एंड इसका साइज़ भी लगभग इस बॉक्स के बराबर ही था, तो चलो इसको हम यहाँ पे स्टिक कर लेते हैं। तो मैंने फेविकॉल से ही इसको ऊपर चिपका लिया है। तो वैसे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा हम इसमें और अपनी कलाकारी दिखाएंगे। तो मेरे पास ये परमानेंट मार्कर रखे हुए थे तो इन्हें ही मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं फ्री हैंड इसमें कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मधुबनी पैटर्न में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। प्रॉपर ये मधुबनी पेंटिंग नहीं है, बस उससे मिलता जुलता पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप पेन से बनाइए, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी ईजी सा पैटर्न है एंड ऑप्शंस एंडलेस हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या कुछ मिरर्स वगैरह चिपका के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या सिंपली आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। वैसे भी ये अच्छा लग रहा था। लास्ट में मैं क्राफ्टोलॉगर की वार्निश और ब्रश यूज़ करके इसको सील कर दे रही हूँ ताकि ये पानी और डस्ट इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे। एंड चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
तो फाइनली अब आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आज जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं कहीं से भी वो ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी पुरानी वेस्ट चीज़ से या पुराने शादी के कार्ड से बनाई है, क्योंकि मुझे तो देखने के बाद बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैंने शादी के कार्ड से बनाया है सारी चीज़ें। तो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर देना, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और होम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अगर आपको यहाँ मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आई एम श्योर कि वहाँ भी पसंद आएंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।